हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव कुछ तरीके दिखाऊंगी अपने आईब्रोज को फास्ट, लंबा और घना बनाने के लिए। ये रेमेडीज आपके आईब्रोज के हेयर को स्ट्रॉन्गर और थिकर बनाएगा। फ्रेंड्स, आप इन्हें अपने आईलैशेस ग्रोथ में भी यूज कर सकते हैं। ये 100% वर्किंग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। फर्स्ट इज पेट्रोलियम जेली। फ्रेंड्स, पेट्रोलियम जेली आईब्रोज को घना बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें इसके लिए एक चम्मच वैसलीन लेना है। और इसमें मिलाना है एक चम्मच कैस्टर ऑयल। ये आईब्रोज के स्किन को नरिश और मॉइस्चराइज करेगा। ये मिक्सचर हेल्दी शाइनी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो फ्रेंड्स, अब ये तैयार हो गया है। इसे आप एक कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले इसे थोड़ा सा लेकर अपने आईब्रोज पे लगा के मसाज कीजिए और सो जाइए। सुबह धो लीजिए। ऐसे डेली करने से आपके पसंद के घने आईब्रोज बस कुछ ही दिनों में ही आप अचीव कर पाएंगे। सेकंड इज लेमन ऑयल। ये फॉर्मूला बहुत ही यूनिक और इफेक्टिव है। इसके लिए हमें चाहिए नारियल का तेल। हमें सबसे पहले एक बोल में 1 टेबलस्पून नारियल का तेल लेना है और फिर हमें इसमें मिलाना है 1/2 टीस्पून नींबू का रस। फ्रेंड्स, नारियल के तेल में नींबू को मिलाने से ये आईब्रोज ग्रोथ टॉनिक की तरह काम करेगा और हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। कोकोनट ऑयल हेयर फॉलिकल्स और स्किन को नरिश करेगा और लेमन की एसिडिक प्रॉपर्टी पोर्स को अनक्लॉग करेगा। अब इस मिक्सचर में एक कॉटन बॉल को डैप करके अपने आईब्रोज पे इस तरह से लगाइए। और लगा के 30 मिनट तक रख दीजिए और फिर धो लीजिए। फ्रेंड्स, ऐसा आपको डेली 2 बार करना है। बस कुछ ही दिनों में आपके आईब्रोज मोटे घने बन जाएंगे। थर्ड इज आईब्रो ग्रोथ सॉल्यूशन ऑयल। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक नींबू लेना है और इस बार हमें नींबू का रस नहीं चाहिए बल्कि नींबू का छिलका चाहिए। हमें इस तरह से लेमन पील को लेना है। हमें इस पूरे लेमन के छिलके को लेना है। उसके बाद हमें एक ग्लास बॉटल लेना है और इसमें 3 चम्मच नारियल का तेल डालना है। और फिर हमें इस ऑयल में ऐड करना है इन लेमन पील्स को। लेमन क्लॉग्ड पोर्स को क्लीन करता है और हेयर फॉलिकल्स की एयर सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, जिस वजह से आईब्रोज ग्रोथ फास्ट होता है। साथ ही कोकोनट ऑयल लेमन पील के साथ मिलकर हेल्दी हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो अब ये तैयार है। आपको इस बॉटल को कवर करके सूरज की रोशनी ना पहुंचे ऐसे किसी डार्क प्लेस में 2 हफ्ते तक रख देना है और 14 दिन बाद से आपको इसे यूज करना है। इस इन्फ्यूशन को एक कॉटन बाट की मदद से आपको अपने आईब्रोज पे लगा के कुछ देर तक मसाज करना है और पूरी रात रख देना है और सुबह धो लेना है। ये उपाय आईब्रोज को मोटा घना बनाने के लिए ग्रेट है। तो फ्रेंड्स, आप इन तीनों उपाय में से कोई भी एक चूज कीजिए और यूज कीजिए। मैं 100% श्योर हूँ कि आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोज को आप मिस ना कर सके। सो फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी एंड बाय।